तो दोस्त आज हम दिखाएंगे आपके इंजन की फ्यूल टाइमिंग सेटिंग, फ्यूल टाइमिंग कैसे सेट करते हैं। ठीक है, हमारा सिंगल सिलेंडर इंजन है जिसको हमने डिसमेंटल किया था, उसी का हम अभी फ्यूल टाइमिंग सेटिंग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो फ्यूल टाइमिंग सेट करने के लिए तीसरी परत से फ्लाईव्हील देखेंगे। फ्लाईव्हील पर हमारे दो मार्क दिए हुए हैं, एक मार्क हमारा BTTC का होता है, एक हमारा TDC का होता है। BTTC का मार्क वह मार्क होता है जहाँ पर फ्यूल का इंजेक्शन होता है, और TDC वह मार्क होता है जिस पॉइंट पर हमारा पिस्टन TDC पोजीशन पर होता है। तो ये हमारा है, इस पर देख रहे हैं पॉइंटर है, उस पॉइंटर पर हमारा ये जो मार्क आएगा तभी हमारा पोजीशन आएगी। तो देख लेते हैं, तो ये है सबसे पहले इसमें मार्क दिख रहा है फ्लाईव्हील में, ये हमारा एक मार्क है और एक मार्क यहाँ पर है, ये ऐसे बना हुआ है। ठीक, ऐसे बना हुआ है, तो हम देखते हैं। तो ये हमारा क्या है, सबसे यहाँ पॉइंट वाले मार्क है ये, इसे बोलते हैं TDC का मार्क। इससे हमारा पिस्टन क्या है यहाँ पर आ गया, तो पिस्टन हमारे सेंटर में कहाँ पर TDC पोजिशन पर इस समय। ठीक, पिस्टन हमारा TDC पोजिशन पर इस मार्क पर, यदि हमारा इस मार्क पर आ जा रहा है यहाँ पर, तो ये क्या है TDC 27 डिग्री पहले का मार्क। 5 HP इंजन में क्या होता है, 27 डिग्री पहले फ्यूल का इंजेक्शन हो जाता है। तो ये 27 डिग्री पहले वाला मार्क है, ये यहाँ पर हमारा फ्यूल का इंजेक्शन होगा इस मार्क पर। ठीक है, तो ये TDC का, ये BTTC का मार्क है जिसे बोलते हैं। तो देखते हैं, तो हम क्या करेंगे, फ्लाईव्हील को घुमाएंगे। ठीक है, डायरेक्शन में घुमाएंगे, जिस डायरेक्शन में घुमाया जाता है तो उसी डायरेक्शन में हम घुमाएंगे फ्लाईव्हील को घुमाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमारा फ्यूल आना चाहिए इस पॉइंट पर। तो दो राउंड के बाद अभी फ्यूल नहीं आएगा, तो अगले राउंड में हमारा फ्यूल आएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं घुमा करके। यहाँ पर देखिएगा, ये मार्क आ गया है, और इसमें देखिए ध्यान से, इसी हमारा इस समय फ्यूल थोड़ा सा दिख रहा है इस समय। ठीक, इसमें फ्यूल दिख रहा है और हमारा क्या है, हमारा यहाँ पर मार्क पर आ गया है BTTC के मार्क पर। यहाँ पर मार्क पर देख लीजिए, तो इस मार्क पर हमारा क्या है, फ्यूल इस समय आ गया है इसके अंदर। यहाँ पर पंप है, पंप के होल्डर पर यहाँ पर फ्यूल आ जानी चाहिए। ठीक है, तो यदि हमारा इस मार्क से, ठीक है, BTTC का मार्क है, BTTC के मार्क से यदि पहले फ्यूल आ जा रहा है, इस मार्क से यदि पहले फ्यूल आ जा रहा है, तो हमारे टाइमिंग क्या है, एडवांस है। ठीक है, मतलब कि एडवांस का मतलब, ये पंप है, जो ये पंप के नीचे सिम पड़ी हुई है, दिख रही है, इस सिम को और ऐड करना पड़ेगा। एक सिम पड़ी है, एक सिम और इसके अंदर ऐड करेंगे, एक सिम और ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये पंप थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, जिससे क्या होगा, इसकी टाइमिंग, इंजेक्शन टाइमिंग यहाँ पर आ जाएगी इस मार्क पर। ठीक है, यदि पहले आ जा रहा है तो हमारी टाइमिंग एडवांस है, तो मतलब सिम को ऐड करना है। यदि यही फ्यूल, यदि इस मार्क के बाद यहाँ पर आ रही है सपोर्टेड, तो यहाँ पर आ रही है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पर सिम को निकालना है। तो सिम को निकालने के लिए यहाँ इसको बोलते हैं रिटार्ड पोजिशन। रिटार्ड पोजिशन में क्या करें, सिम को निकाल लेते हैं। जैसे सिम को बाहर निकालते हैं यहाँ से, तो ये पंप क्या होता है, नीचे चला जाता है, पंप नीचे चला जाता है, जिससे क्या होता है, इसकी टाइमिंग यहाँ पर आ जाती है, फ्यूल इंजेक्शन टाइमिंग यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, ये हमारा है फ्यूल टाइमिंग की सेटिंग। जब भी आए इसके, इससे यहाँ पर आ रहा है तो रिटार्ड है, इसके यहाँ पर आ रहा है तो एडवांस है, इसे रिमार्क के पहले आ रहा है, तो ऐसे एडवांस और रिटार्ड करते रहते हैं। और यहाँ पर पंप में, पंप का हाई प्रेशर पाइपलाइन निकाल लेते हैं होल्डर से, और यहाँ पर फ्यूल को देख लेते हैं, फ्यूल हमारे यहीं पर आना चाहिए इस मार्क पर। यदि आप इस मार्क पर हमारा आपका फ्यूल आ जा रहा है, तो आपकी टाइमिंग प्रॉपर तरीके से सेट है। ठीक है, तो ये होता है।